ऑलरेड चेक इट आउट गाइड स्वागत है आपका स्टोन टैक में दोस्तों ओप्पो ने इंडिया में अपना एक और क्लियर स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि ओप्पो रिनो 10 प्रो प्लस तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रिनो 10 प्रो प्लस की कंप्लीट डिटेल के बारे में ये मोबाइल इंडिया में कब लॉन्च होगा किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा क्या इसके फीचर्स होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको यह मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको सिक्स पॉइंट सेवन फोर इंचेस के एक ओलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी एस्पेक्ट एशो ट्वेंटी टू नाइन होगा और स्क्रीन डेंसिटी फोर हंड्रेड फिफ्टी वन पीपीआई होगी अगर बात करें इस मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मोबाइल में गुरिला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के वेट की तो ये मोबाइल आपको वन ग्राम का देखने को मिलेगा जो कि इन एंड फील्ड में काफी ज्यादा बल्कि होगा और इस मोबाइल का रिफ्रेश रेट वन हंड्रेड होगा ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल में एक सॉलिड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के बिल्ट की तो इस में फ्रंट और बैक आपको ग्लास का देखने को मिलेगा और फ्रेम इस मोबाइल में प्लास्टिक का होगा जो कि इस मोबाइल को एक अच्छा लुक देगा और यह मोबाइल इन एड फील्ड में भी काफी ज्यादा अच्छा होगा अब चलते हैं इस मोबाइल का अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम चिपसेट और जीबो के बारे में इस मोबाइल में एंड्रॉड थर्टीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जन वन होगा तो आपको इस मोबाइल में एक एडवांस प्रोसेसर देखने को मिलेगा और आपको इस मोबाइल की डे टू डे परफॉर्मेंस एकदम बटरी स्मूथ देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के ग्राफिक्स की तो इस मोबाइल में एड्रीनो सेवन हंड्रेड थर्टी जी पी आपको देखने को मिल जाएगा तो गेमिंग ग्राफिक्स आपको इस मोबाइल में काफी तगड़े देखने को मिलेंगे आप इस मोबाइल में हर हाँ टाइप के गेम में एकदम हाइएस्ट सेटिंग में लेग फ्री भी खेल पाएंगे ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल में एक एडवांस प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस मोबाइल के मेन कैमरे की जिसमें 50, 64 और 8 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा कैमरा फीचर में इस मोबाइल में एच का फीचर भी होगा अगर बात करें मेन कैमरे की वीडियो क्वालिटी की तो आप इस मोबाइल से फोर का टेन में काफी अच्छी क्वालिटी के फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो इस मोबाइल में थर्टी टू का एक फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी टेन होगी ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल का मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों ही आपको काफी तगड़े देखने को मिलेंगे और यह मोबाइल

अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस मोबाइल में कलर स्पेक्ट्रम का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि इस मोबाइल का काफ़ी अच्छा फीचर होगा अब बात करते हैं इस मोबाइल के बैटरी के जिसमें आपको चार हज़ार सात सौ एम एच के कलर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग की बात करें तो इस मोबाइल में हंड्रेड वॉट के फास्ट चार्जिंग का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस मोबाइल के कुछ कॉमन फीचर्स की तो इस मोबाइल में टू बंट से यू पोर्ट आपको देखने को मिलेगा और इंफ्रा रेड पोर्ट और एन का फीचर भी इस मोबाइल में होगा अब चलते हैं इस मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के कलर प्राइस और रिलीज डेट की सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के कलर की तो यह मोबाइल आपको ब्लैक पर्पल और गोल्ड कलर में देखने को मिलेगा। इंडिया में इस मोबाइल का प्राइस 45,890 होगा अगर बात करें इस मोबाइल के रिलीज डेट की तो यह मोबाइल 24 अगस्त को रिलीज हो जाएगा दोस्तों इस मोबाइल का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट होगा इस मोबाइल का फास्ट प्रोसेसर और एक तगड़ा बैटरी सेगमेंट ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल में सारे फीचर आपको एकदम एडवांस टॉप एंड देखने को मिलेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका पैंतालीस हज़ार का बजट है तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं तो चलिए अब सबसे अगर में बारी आती है इस मोबाइल के रेटिंग की तो इस मोबाइल के सारे फीचरों को देखते हुए इस मोबाइल की स्टोन रेटिंग होगी एट आउट ऑफ टेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में